वैसे तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या कैश विड्रॉल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इजी और सेफ प्रोसेस है वो है चेक। तो चेक कैसे फिल किया जाता है, चलिए मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स में बता देता हूँ। मैं आपको दो प्रोसेस में बताऊँगा। पहला प्रोसेस ये रहेगा कि आप खुद से कैसे पैसे निकाल सकते हैं चेक से, और दूसरा प्रोसेस ये रहेगा कि कोई आदमी अगर आपसे पैसे पाता है तो उसको चेक कैसे दिया जाता है, ताकि वो कैश ना ले और कैश के बदले आप उसको चेक दे दें। तो देखिए, ये मेरे पास है HDFC बैंक का चेक बुक, जो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसे इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत सारे बैंक का क्या है अपना अपना लिमिट है, लेकिन मेरा इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहला कॉलम मिल जाता है कि डेट का। सबसे पहले तो यहाँ आपको डेट फिल करना है जिस डेट को आपको पैसे निकालना है, तो वो डेट यहाँ फिल कर देंगे और उस डेट के अगले 3 महीने तक ये चेक आपका वैलिड रहेगा। उस 3 महीने के अंदर अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं इस चेक से, या इस चेक को अगर आप नहीं भजाते हैं, तो ये चेक आपका अनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ 28/5/2023 का डेट फिल कर दिया है, ये डेट मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे का ऑप्शन आपको मिलता है, इस कॉलम में आपको यहाँ पे सटा के यहाँ सेल्फ लिखना है, ताकि ये पैसा आप खुद से निकाल रहे हैं तो सेल्फ लिखना है। ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको अपना बैंक का डिटेल्स पूरा मिल जाता है, आपका ब्रांच कहाँ पे है उसका एड्रेस पूरा मिल जाता है, ये IFSC कोड है वो भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे रुपीस में आता है, यहाँ आपको वर्ड में लिखना है कितना रुपीस आपको विड्रॉ करना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जगह हम 5000 निकालेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 5000 ओनली। उसके बाद इसमें हम एक इस तरह का लकीर मार देंगे, ताकि इसमें बाद में और कुछ भी ऐड किया ना जा सके। उसके बाद ये कॉलम मिलता है आपको, यहाँ आपको संख्या में लिखना है पैसा आपको कितना निकालना है, जैसे कि हम यहाँ पहले लिख चुके हैं 5000, तो यहाँ भी हम 5000 लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी इस तरह हम एक तीर मार देंगे, ताकि बाद में इसमें कुछ भी और ऐड किया ना जा सके। उसके बाद देखिए, ये आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल जाता है। उसके बाद देखिए, ये आपका ये चेक नंबर है, ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर है, इसको आप नोट भी करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक सिग्नेचर कर देना है, इस नाम जो है ये आपका नाम है, इस नाम के ऊपर ही हमेशा आपको सिग्नेचर करना है, तभी जाकर के आपका चेक वैलिड रहेगा। चलिए, इसमें हम एक सिग्नेचर कर देते हैं। अभी मेरा ये चेक बिल्कुल ही फाइनल है, इसमें अभी और हमको कुछ भी नहीं करना है, तो इस तरह हम इसको फाड़ देंगे और जिसको भी देना है उसको हम दे देंगे इसी तरह। और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ पे आपको पीछे भी 2 सिग्नेचर करने को बोलता है, पहले हम यहाँ भी 2 सिग्नेचर कर देंगे, ताकि वो आसानी से इसको वेरीफाई कर सके। एक यहाँ हम कर दिए, एक यहाँ पे कर देंगे, ताकि मैनेजर को आसान हो जाए मेरा चेक को वेरीफाई करने में। चलिए, इस तरह हम सिग्नेचर कर दिए, ये चेक मेरा अभी बिल्कुल ही रेडी है। ये हम अपने से जाकर के ब्रांच में जाकर के कैश काउंटर में दे देंगे, वो हमको कैश दे देगा। आप अगर चाहे तो इस चेक का पूरा डिटेल्स को यहाँ नोट करने का आपको जगह मिल जाता है चेकबुक में, इसमें आप नोट करके रख सकते हैं। सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे डेट का, तो ये जो डेट यहाँ लिखा हुआ है वो डेट यहाँ फिल कर देंगे, और यहाँ मांग रहा है चेक नंबर, तो ये वाला चेक नंबर है 6 नंबर का, इसको यहाँ नोट कर देंगे। और यहाँ चेक इशू बोल रहा है, तो चेक इशू किसको किया है, हम यहाँ सेल्फ को किए हैं, तो यहाँ सेल्फ लिख देंगे। अगर किसी पर्सन को किए थे तो वहाँ पर्सन का हम यहाँ नाम लिख देंगे। यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो कितना पैसे आप उस चेक से निकाल रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे, जैसे कि हम 5000 निकाले हैं तो वो 5000 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह चेक को नोट कर सकते हैं आप। चेक को नोट करने का फायदा ये है कि किसी पर्सन को अगर आप चेक दिए हैं और बाद में फिर आपको अगर वो चेक कैंसिल करना है, तो ये डेट और ये चेक नंबर आपको लगेगा, ये दोनों लेकर के आप ब्रांच में जाएंगे और इस चेक को रोक भी सकते हैं या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आप चेक बुक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये इसी तरह से आप चेक भर करके पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी पर्सन को चेक देना है तो उसको कैसे फिल करते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने देखिए, फिर से एक चेक ले लिया है, सबसे पहले तो यहाँ डेट का कॉलम मिलता है, हम यहाँ डेट भरेंगे। जैसे कि मुझे 28/6/2023 को एक पर्सन को चेक देना है, तो उसी का डेट हमने यहाँ फिल कर दिया है। उसके 3 महीने के अंदर तक ये पर्सन मेरा चेक से पैसे निकाल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे का ऑप्शन मिलता है, तो पे के ऑप्शन में उसका नाम लिख देंगे, जो भी पर्सन को आप चेक इशू कर रहे हैं। देखिए, हमने उसका यहाँ पे नाम फिल कर दिया है, तो अब मुझे एक यहाँ डेस इस तरह दे देंगे, ताकि बाद में इसमें और कुछ भी ऐड ना किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड में रुपीस निकालना है, कितना रुपीस आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हम 10000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10000। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक इस तरह से लकीर मार देना है, ताकि बाद में इसमें और भी कुछ ना ऐड किया जा सके, इस तरह मार देंगे। और यहाँ पर भी आप संख्या में लिख देंगे कितना पैसा आपको निकालना है। उसके बाद आपका यहाँ अकाउंट नंबर आ जाता है,
यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है, तो ये नाम के ऊपर हमेशा आप सिग्नेचर करें ताकि चेक वैलिड हो। इस तरह हमने सिग्नेचर कर दिया है, ये आपका चेक नंबर रह गया, ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर रह गया। तो इसी तरह देखिए, ये आपका चेक बिल्कुल ही कंप्लीट है। जब ये पर्सन ये चेक लेकर के अपने ब्रांच में जाएगा तो उसको कैश दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको कैश ना मिले, उसको अकाउंट में ही ट्रांसफर हो, तो यहाँ आपको डबल लाइन इस तरह से खींच देना है। ये डबल लाइन का मतलब ये है कि जो भी पर्सन को आप चेक दे रहे हैं, वो पर्सन को चेक नहीं मिल सकता है, बल्कि उसको अकाउंट में ही दिया जा सकता है। तो ये डबल लाइन का मतलब यही है। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें एसी लिख देते हैं, यानी अकाउंट। ये भी कम्प्लीट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप उसको भी चेक दे सकते हैं। और इसी तरह से बैक साइड में आना है, यहाँ पर भी आपको दो गो सिग्नेचर कर देना है ताकि चेक को वेरीफाई करने में आसानी हो, ताकि मैनेजर को जो है तो सिग्नेचर वेरीफाई करने में आसानी हो, इसलिए डबल टेबल सिग्नेचर करना चाहिए। सो इसी तरह से आप कोई भी चेक बुक को फिल कर सकते हैं सबसे आसानी से। और सबसे सेफ तरीका ये है कि पैसे आप चेक से निकालें और चेक से किसी को ट्रांसफ़र करें। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।